सिटी नॉर्थ मुंबई उत्तर मुंबई माझ्या सोबत बी एन तिवारी जी वेस्ट फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज चे आहेत ते माझ्या सोबत गंगेश्वर श्रीवास्तव जी आहेत जाना ज्यांच्यामुळे मी इथे आलो आहे दादासाहेब फाळके अवॉर्डच्या बाबतीत आपण सर्वांना भरपूर माहिती आहे प्रत्येक वर्षी अनेक लोकांना अवॉर्ड दिला जातो सध्या गोरेगावच्या फिल्म सिटीमध्ये दादासाहेबांचा एक पुतला लावण्यात आलेला आहे परंतु ते भरपूर आतमध्ये असल्यामुळे कोणी तिकडे जात नाही आणि कळतच नाही आहे ज्या व्यक्तींनी ह्या देशाला सिनेमा इंडस्ट्रीच्या माध्यमातून पहिला चित्रपट राजा हरिश्चंद्र हे 1913 पहिला चित्रपट प्रदर्शित झाला आणि त्यांच्या नावाने प्रत्येक वर्ष पुरस्कार दिला जातो परंतु असा कुठेही देखणी जागेवरती त्यांचा एक पुतला नाही आहे आणि म्हणून बी एन तिवारीजी जाणा गंगेश्वर श्रीवास्तव ह्या सर्व मंडळींनी मिळून दादरला एक जागा हे लोकांनी शोधलेली आहे बँड्राला सॉरी मुंबई महानगरपालिकेचा एक छोटासा उद्यान आहे त्याच्यात लावण्याचं ठरवलं आहे खरं म्हणजे आमचे केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपालाजी अब थोडा हिंदी माझ्या आहो पुरुषोत्तम रूपालाजीने मुझे फोन किया और मुझे कहा कि जाना को आपके पास भेज रहा हूँ इनको आप मदद करिए और मुझे फ़ोन करने का कारण मुख्य कारण ये है कि मैंने अपने मतदार संघ में वीर सावरकर जी छत्रपति शिवाजी महाराज झांसी की रानी सरदार वल्लभ भाई पटेल नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे बहुत सारे महापुरुषों का पुतला लगाया है अब दिसंबर में मैं अटल जी का भी पुतला 35 एकर के एक भूखंड पर लगा रहा हूँ तो पुरुषोत्तम रूपाल जी ने जाना को कहा कि गोपाल भाई को मिलिए तो ये आपका काम हो जाएगा और मैं इसके साथ में जुड़ा हूँ और हम आने वाले दिनों में इसमें आशीष सेजार को जोड़ेंगे क्योंकि उनके मतदार संघ में ये पुतला लगाने का संकल्प हुआ है तो एक अच्छा सब्जेक्ट को लेकर ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग आगे आए हैं फिल्म इंडस्ट्री के माध्यम से इस पूरे देश भर में कई लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है मैं लाख को गलत करता हूँ मैं मानता हूँ कि स्टूडियो वूडियो सब पढ़ेंगे करोड़ों लोगों को इसमें रोजगार मिलता है सरकार को बड़े पैमाने पर टैक्स मिलता है और जिस व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की वो दादा साहेब फाल्के जी का एक पुतला भव्य पुतला अच्छे जगह पर लगे यह हम सबकी मनोकामना है मैं सभी मीडिया जगत के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा पॉलिटिकल कोई कार्यक्रम में बार बार बुलाने के बाद में भी इतना मीडिया के लोग आते नहीं है मैं मानता हूँ कि दादा साहब फाल्के जी का सम्मान करने के लिए आप सब लोग यहाँ पर आए हैं तो हम सब लोग मिलकर आने वाले दिनों में जितना हो सके उतना जल्दी ये कार्य को पूरा करने का संकल्प आज हम सब लोग करेंगे तो एक अच्छा होगा ऐसा मुझे लगता है नहीं इसमें मैं और आशीष सेलार जी मिलकर मुंबई महानगर पालिका सरकार का के पास से इसके परमिशंस के बहुत प्रॉब्लम होते हैं पैसा तो ये फिल्म इंडस्ट्री के लोग खड़े कर देंगे पैसा इज नॉट ए सब्जेक्ट इसका परमिशन के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है तो वो सारा काम मैं करूँगा और उसके आगे भी जो भी आदेश मुझे देंगे वो हम करेंगे और इसमें हम कोई सारे लोगों को जोड़ेंगे साथ में और ये सबका सब्जेक्ट है कोई एक पर्सन या पार्टी का ये विषय नहीं है पार्टी तो उसमें है ही नहीं वैसे बांड्रा में आशीष सेलार को इसलिए जोड़ रहे कि वहाँ के वो MLA है और मेरा इसमें थोड़ा एक्सपीरियंस इसलिए मैं जुड़ जाऊँगा आने वाले दिनों में जो भी इसमें जुड़ना चाहेंगे उसको हम लोग जोड़ेंगे और अगर कोई नए भी जुड़ना चाहे तो हम पकड़ के ला कर उनको साथ में लेकर आगे चलेंगे जी हाँ पहले बहुत बड़ी बात है जाना का हम सब लोगों ने मिलकर अभिनंदन करना चाहिए क्योंकि ये हर साल कलाकारों को सम्मान करने का भी कार्यक्रम करते हैं और मैं कई बार गया हूँ इनके कार्यक्रम में और मुझे लगता है कि अभी ये फैमिली मेंबर मैं बन गया हूँ इनका अभी तो हर साल जाना पड़ेगा ये विषय ऐसा है कि फिल्म इंडस्ट्री में आप सबको हम सबको पता है कि एक बार एक्टर बन जाता है तो बहुत बड़ा एक्टर हो जाता है फिर उसमें फिर उनको समय मिलता नहीं है और ये थोड़ा सब्जेक्ट हटकर है इसलिए बहुत जल्दी भी किसी के दिमाग में आना इतना आसान नहीं है और कभी कभी हम कहते हैं कि हर काम भगवान ने हर व्यक्ति के नाम पर लिखा है मैं मानता हूँ कि जाना के नसीब में काम लिखा हुआ था तो ये उसको मिला है लेकिन हम सब लोग मिलकर करेंगे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है
फेडरेशन जो है अपना सौभाग्य मानती है। देखिए, पहल तो हमको करना चाहिए था, मगर हमारी तरफ से पहल नहीं हो पाया था। कल्याण जी जाना ने जब ये रिक्वेस्ट किया कि मैं करना चाहता हूँ और मैं इस तरीके से मेरा प्लान है, तो शुरू में तो लगता है कि आदमी क्या सोच रहा है, मगर आज लगता है कि विषय इतना बड़ा हो चुका है। जिस आदमी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री हिंदुस्तान की पहचान बनी है, उस दादा साहब फाल्के को हम भुला से गए थे, उनको मतलब कि हमने एक हाशिए पर रख दिया था। हम भी काम कर रहे हैं, दादा साहब फाल्के हाउसिंग सोसाइटी बना रहे हैं 10,000 लोगों के लिए, सरकार ने मंजूर किया है, 10,000 घर बन रहा है सर सेलू में। और अपने वर्करों के लिए हमने 50,000 के लिए दिया था लेटर अपना वहाँ पर दिल्ली में, हमें 10,000 अभी मंजूर हुआ है। हमने 253 एकड़ ज़मीन लेकर रखी है और लोगों को घर सस्ते रेट में दे रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। सरकार आपकी मदद करना चाहती है, मगर आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो उसमें आपकी गलती है, सरकार की गलती तो नहीं है। सरकार तक पहल करेंगे, जैसे अभी सेठी साहब ने बताया कि इसको हम आशीष सेलार जी को जोड़ेंगे, उनको जोड़ेंगे, पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं इसमें। हम तो चाहेंगे कि जिस दिन उद्घाटन हो उस दिन मुख्यमंत्री जी खुद आए, क्योंकि ये महाराष्ट्र का विषय है। एक मराठी आदमी ने पूरे हिंदुस्तान को पहचान दी है, तो हम लोगों के सबके लिए गौरव का विषय है और फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो जनक हैं हमारे। तो हम बड़ा सौभाग्य मानते हैं इस मामले में कि फेडरेशन इसमें इन्वॉल्व है। तो कल्याण जी जाना को सारी क्रेडिट जाती है, क्योंकि गोपाल जी को जोड़ना, हमको जोड़ना, उनको जोड़ना, आप सबको इकट्ठा करना, ये बड़ा काम है। ये इसमें बिजनेस नहीं है कि इसमें कुछ मिलने वाला उनको है, मगर इतने लॉन्ग टाइम तक उनको इसका फ़ायदा मिलेगा कि हर आदमी दादा साहब फाल्के को देखेगा तो ये ज़रूर सोचेगा कि इसको बनवाया किसने, किसने प्लान किया है वो कल्याण जी जाना है। नहीं, हमारे संबंध बहुत ठीक ठाक है। जैसे घर में से दो भाई अलग होते हैं तो कोई जिंदगी भर के लिए नाता टूटता नहीं है, इसलिए हमारे संबंध पॉलिटिकली भले थोड़ी दूरी हुई है, लेकिन मन का जो नाता है और जो हिंदुत्व की नाड़ है वो तो कभी टूटने वाली नहीं है, वो तो मौत के साथ में ही जाने वाली है। और ये सब्जेक्ट में इतना दम है, मैं आपको मानता हूँ कि देखो ये उत्तर प्रदेश है, श्रीवास्तव जी उत्तर प्रदेश है, मैं दक्षिण भारतीय हूँ, जाना कल्याण जी जाना कोलकाता से है, रूपाला जी गुजरात के है, और जिस जगह पे हम आज यहाँ पर बैठे तो मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को सामने देखता हूँ। मैं मानता हूँ कि दादा साहब फाल्के जी का ये पुतला लगाने का कार्यक्रम मुंबई शहर के सभी भाषिकों को एक साथ में लाने का काम करेगा, इसमें इतनी बड़ी ताकत है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ इसका कोई मुद्दा बनेगा करके, क्योंकि ये ऐसा हम सब लोगों ने इस बात को मान लेना पड़ेगा कि हम लोग देरी कर चुके हैं इसमें, इसमें कोई मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं। इसलिए मैंने कहा ना कि एक इसमें कोई हम मुद्दा बनने ही नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल दादा साहेब फाल्के जी अगर महाराष्ट्र के, तो हम इसका अध्यक्ष कोई एक महाराष्ट्रन आदमी को ही बनाएंगे आने वाले दिनों में। इसलिए मैंने अभी आशीष सेलार को फ़ोन किया, कोई वो मीटिंग में है, वो मेरी बात हो ही नहीं पाई, क्योंकि हम बैंड्रा में पुतला लगा रहे तो उनको उसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए जो समिति हम एक बनाएंगे उसका अध्यक्ष हम मुंबई शहर के कोई मराठी व्यक्ति को बनाएंगे। सबसे पहले मैं मीडिया को मैं नमन करता हूँ, थैंक यू सो मच, आप सभी को मेरा नमन है। मेरी गुरु समान उत्तर मुंबई के जाने माने सांसद, हम सबके प्यारे लाडले, एक ऐसे कार्य सम्राट, एक ऐसे सभी के दिलों के चहेते, हर गली में एक उनका छाप है, उनका एक नाम है, नाम है माननीय श्री गोपाल शेट्टी साहब। सबसे पहले उनको मैं नमन करता हूँ, मेरी टीम की तरफ से उनको नमन है। इसके अलावा हमारे फेडरेशन के जान, हम सबके पहचान, हम सबके गुरुजी, मेरे गुरुजी माननीय श्री बी एन तिवारी साहब, उनकी आशीर्वाद, हमारे साहब के आशीर्वाद, श्रीवास्तव साहब के आशीर्वाद। इसके अलावा जो मेरी टीम है डी पी आई है दादा साहेब फाल्के, मेरी लवली वाइफ है, वो मुझे हर वक्त मेरे सपोर्ट करते हैं। दर्शन करा दो, दर्शन करा यार, मीडिया के सामने आओ, आ गया। इनकी आशीर्वाद, इनका भी दुआ, मेरी बेटी है 8 महीना की, उनकी भी आशीर्वाद,
मेरी वीरू जैन है जो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, एक काम को आगे जाने के लिए वो हर वक्त मेरे साथ में मेरे कंधे पे हाथ डाल के वो चलते हैं, वीरू जैन है ना, वो मेरे अध्यक्ष है। पंडरी सेट्टी साहब, एक सेट्टी यहाँ पर है, एक सेट्टी मेरे साथ में है, दोनों सेट्टी है। तो भाई बहुत बड़ा मेरे को ताकत मिला है। मेरा लीगल एडवाइज़र है हमारे बहुत ही अच्छे एडवोकेट सेलर्स दुबे जी, नीरज सर मेरे साथ में आए हैं, आज इंडस्ट्री के बादशाह है, आज इंडस्ट्री के तमाम, आज गोविंदा से लेके जितने भी बड़े बड़े सिंगर हैं उनको सभी को साथ में लेके चलते हैं, आज वो हमारे बीच में है, बहुत बड़ी बात है नीरज सर, थैंक यू सो मच। इसके अलावा तमाम मीडिया कर्मी, मेरे तमाम मेरे परिवार और दादा साहेब फाल्के आइकॉन ऑफ फिल्म ऑर्गेनाइजेशन DPIF जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, इन तमाम जो मेंबर है, 12,000 हमारे पास है मेंबर पूरी इंडिया में, उन सभी को मैं नमन करता हूँ। आज एक बड़ा चीज़ होने जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी पुरुषोत्तम रूपाला साहब जो भारत सरकार के मिनिस्टर है, मैं उनके पास गया था, मैंने बोला सर मुझे आपसे हेल्प चाहिए, बोलता हेल्प नहीं, तू मेरा बेटा की तरह है, वो तुझे क्या चाहिए, मैंने बोला कुछ नहीं, मुझे ऐसा ऐसा काम करना है, बोलता ठीक है। तुरंत उन्हें वहाँ से उन्होंने फ़ोन घुमाया, गोपाल शेट्टी साहब बोलता है कल्याण जी को मैं बुलाता हूँ क्योंकि वो तो मेरा बच्चा है, वो तो मेरे उत्तर मुंबई में ही है। तो इन्होंने बुलाया मुझे, बुला के बहुत ही अच्छे से मेरे को समझा, मेरी बातों को समझा, उसके बाद आज जिस तरीके से आज प्रेस वाले के सामने आज हम लोग रूबरू हुए, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ फिर से पुरुषोत्तम रूपाला साहब को, मिनिस्टर ऑफ भारत सरकार, मेरे BN तिवारी साहब, गोपाल शेट्टी साहब, श्रीवास्तव जी और मेरे तमाम टीम मेंबर और तमाम मेरे मीडिया कर्मचारी, थैंक यू सो मच। सर आप इतने बड़े संगठन के अध्यक्ष, क्या कहना चाहेंगे, आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा और जो पहल है इनकी, इनके बारे में कैसा है? इन्होंने जो भी पहल किया है बहुत ही अच्छा किया है, ये भी हमारे फेडरेशन के ही पार्ट हैं, कहीं बाहर के नहीं है, इसलिए फेडरेशन भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है और जितनी हो सकती है हमारी पूरी फेडरेशन पूरी 32 एसोसिएशन इनके साथ खड़ी रहेगी। नहीं मैंने किसी से बात नहीं किया, मेरा जो गुरु है वो BN तिवारी जी है, मैंने उनसे बात कर लिया, मेरा काम हो गया। उसके अलावा गोपाल शेट्टी साहब ने आपके सामने बोला है, जो मैं काम को मैंने जब सोचा है, एक काम बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है, आज हमारी हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा अगर टैक्स जाता है तो हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री से हमारा जाता है, तो इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का जन्मदाता माननीय श्री दादा साहेब फाल्के साहब का आज जो स्टैचू का उद्घाटन है, ये हम सबको करना चाहिए। मैं तो बोलूँ दादा साहेब फाल्के के नाम से जितना भी अवार्ड शो होता है, चाहे 7 हो चाहे 8 हो, उन सभी को आना चाहिए हमारे साथ, जितने भी दादा साहेब फाल्के जी के नाम से जितने भी शो होता है उन सभी को, सभी को मेरा निमंत्रण है, आप सब आइए, हर एक्टर आइए, हर टेक्नीशियन टीम आइए, स्पोर्ट बॉय आइए, लाइटमैन आइए, हर एक इंसान आइए, क्योंकि ये हमारे इंडस्ट्री का जन्मदाता है, उस जन्मदाता का अगर स्टैचू हम लगा रहे हैं तो हमें गर्व होगा जो हम कुछ किया इस इंडस्ट्री के लिए, तो ये गर्व महसूस मुझे आज हो रहा है सर। आपका जो विषय है वो सही है, हम उनके घर परिवार के लोगों को भी ढूंढकर साथ में जोड़ने का काम है, उनको साथ में लेंगे, उनको बुला लेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि सिनेमा जो भी देखते हैं, सिनेमा जितने प्रेमी हैं वो सब दादा साहब फाल्के के ही परिवार के लोग हैं, हम सारे उनके परिवार के हैं। बहुत बढ़िया बात। ये फिल्म इंडस्ट्री को के तरफ से जो बिजनेस है, 2,70,000 करोड़ का टर्नओवर हमारा हर साल का है, एक बहुत बड़ा टर्नओवर हम लोग सरकार को देते हैं, भेजते हैं, काम करते हैं, फॉरेन से भी आता है, हिंदुस्तान से भी हम फॉरेन में जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, सिनेमा से मुंबई की सारी पहचान सारी चीज़ों से है, मगर इस बात से भी कि यहाँ पर बॉलीवुड है, फिल्म इंडस्ट्री है, इससे भी मुंबई को जाना जाता है, पूरी दुनिया में फिल्म इंडस्ट्री की वजह से भी मुंबई को जाना जाता है, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मुंबई बहुत अच्छी है, और ऐसे जहाँ पर लीडर हों जिन्होंने अपना वक्त निकाला है इस बारिश में, इस तूफान में, मैं आप सबका दिल से नमन करना चाहूँगा और सबके लिए मेरे दिल में रिस्पेक्ट है कि आप सब लोग आज आकर के इस महान काम में, जो बिजनेस नहीं है, जो अपनी पहचान है, सिनेमा की पहचान दादा साहब फाल्के, उनके लिए हम स्टैचू बनाने जा रहे हैं, इससे बड़ा ऐतिहासिक काम कोई हो नहीं सकता है, जो भाग्यवान है वही इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, और मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि मैं भी मलाड का हूँ, मैं भी इन्हीं के क्षेत्र का हूँ, ऐसा लगता है कि मैं सब पकड़ करके लाए हैं, तो गोपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, फेडरेशन की तरफ से, हमारे 5 लाख वर्कर की तरफ से, लॉन्ग लाइफ के लिए,
अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा एक आखिरी सवाल है माननीय सांसद जी से। जी हाँ सर, जिस तरह से दादा साहब फाल्के अवार्ड शुरू हुआ था, जिसे डायरेक्टरेट करती है ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के अंदर 1969 से शुरू हुआ, आपका करीब 70 लोगों को मिला, जिनमें से अमिताभ बच्चन और रजनीकांत जैसे बड़े दिग्गज नाम शामिल है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री को दे दी। अब बहुत सारे अवार्ड शुरू हो गए हैं, कोई आइकन अवार्ड है, कोई अचीवमेंट अवार्ड है, कोई लीजेंड अवार्ड है दादा साहब नाम से। आप इसे सही मानते हैं? आप केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप लेजिस्लेटर हैं, लॉ मेकर हैं, आप सबसे पहले इसे सही मानते हैं? देखिए, दुनिया ग्लोबल हो गई है, जैसे एक पेड़ होता है उसके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, ऐसे ब्रांचेस बहुत सारे बढ़ गए, लेकिन उसका मूल तो पहचान तो पेड़ से ही होती है ना। तो इसलिए दादा साहब फाल्के जी का नाम अगर कहीं पीछे बिछड़ भी गया है, तो जो आपने बात कही आपकी मन की बात, उसको फिर एक बार ऊपर लाने का ये प्रयास और उसका एक माध्यम ऐसा मैं मानता हूँ। और ये प्रतिमा का स्थापना होने के बाद में जो छोटी मोटी बातें हैं वो दूर होकर फिर जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा काम और इतना बड़ा इंडस्ट्री, इतना करोड़ों लोगों को जो रोज़गार आज मिल रहा है, तो उनको सही मुकाम पर लाके खड़ा करने का ये हम सबका दायित्व बनता है, इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।